गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ, हमारा जो मेकअप है वो ब्लैक क्यों पड़ता है। तो ब्लैक इसलिए पड़ता है क्योंकि आप क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग आप पर हम नहीं करते हैं। जल्दबाजी में हम क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना भूल जाते हैं और हम निकलते हैं धूप में मेकअप करके, तो हमारा जो फेस है वो ब्लैक पड़ जाता है। इसीलिए मेकअप से पहले हमें क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अभी मैं करूँगी क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेकअप का रिजल्ट कैसा है। तो अभी का जो फेस है मेरा ऐसा है। अब मैं अभी करूँगी क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। जिसने भी मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी है क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग को, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि मेकअप तो हर कोई कर लेता है जल्दबाजी में, बट क्लींजिंग टोनिंग करना मॉइस्चराइजिंग करना भूल जाते हैं, जिससे कि हमारा स्किन में जो भी हम मेकअप करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैंने यहाँ पे लिया है ब्यूटी टच नेचुरल का ब्यूटी टच एलोवेरा क्लींजर, ये देख सकते हैं, और इससे मैं अभी करूँगी क्लींज। ठीक है, फेस में अच्छे से अप्लाई कर लेना है, कोई कंजूसी नहीं करना है आपको। ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ किया करो। देखो कितना सारा डस्ट निकल रहा है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दूर से देख लो आप। अब मैं करूंगी टोनिंग। इसे 2 मिनट हम ड्राई होने देंगे, 2 मिनट, ये दो चार हैं, सिर्फ 2। अब ये ड्राई हो गई, इसे मैं करूंगी मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग ले लिया मैंने, थोड़ी सी ही लेना है, ज्यादा नहीं। आपका जो मेकअप है वो कैसा दिखेगा अभी दिखाती हूँ मैं। तो ये है CTM के बाद का रिजल्ट। अगर आप CTM करोगे तो आपका जो मेकअप है वो ग्लो करेगा, और अगर CTM आपने नहीं की तो आपका जो मेकअप है वो टोटली ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। मेकअप करने से पहले CTM जरूर करना। ओके, तो ये वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ओके, तो आज के लिए 3 मिनट के नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाय।